आरटीई के तहत सरकार ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भेदभाव रहित निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही है, लेकिन प्रतापगढ़ जिले के पूरे बिंदु प्राथमिक विद्यालय में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। जबकि उस विद्यालय में सभी जात के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन दलित बच्चों से ही झाड़ू पोछा आदि चीज़ें करवाई जाती हैं। एक दलित बच्चे मानसी से मरे हुए कुत्ते को जबरदस्ती वहाँ के प्रधान अध्यापक ने फेंकवाया। एक दिन गए रहे स्कूल झाड़ू लगवाने और वापिस वापिस भरवाने, फिर कुकुर मरा रहा है। एक दिन बहवाने नाई बहाव तेरे डंडा डंडा मारे ने। आप अगर लैट्रिन वोटिन जाए खुद तो कहाँ जाती पाछी लैट्रिन नहीं बनी है बनी है खोलते नहीं। पूरे वेदुआ में उपाध्यक्ष है स्कूल में, और वोमन लड़कियन से साफ सफाई कीन जाता। जब हम पहुँचे दो एक बार रोके तब वो नाई मेहनत गए, तिबारा हम रोके उनका तो मैडम जो है जो गीता सिंह आई हैं हमसे लड़ पड़ी। कहें कि तू कौन हैसियत से जो है रोका थू, तुहार कौन हैसियत है रोके के, हाथ पकड़ के निकाले लागिन कहें कि यहाँ से निकल जाओ। हाल में एक बच्चा कुत्ता मर गया, तो सफाई कर्मी इधर झाड़ू लगा रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे उसमें, तो एक टाट की पुरानी भर्ती थी, छोटा सा बच्चा था, तो हम ही आए थोड़ा। मानसी जैसे 95 बच्चों को सम्मानपूर्वक शिक्षा दिया जाए और अपमानजनित कार्य कराए जाएं। मैं अपील करती हूं कि डीएम के मोबाइल नंबर 94 54 41 75 20 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं चंदा भारती, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।